ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यार, जंग और सत्ता पाने के लिए सब कुछ जायज है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। खट्टर ने आज जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया। इस पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनावों की बिसात बिछ चुकी है, शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां देश की सबसे बड़ी पंचायत में मिशन 272 की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ केंद्र प्रभारियों की बैठक ली। खट्टर ने कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में उतरने का आह्वान करते हुए कहा कि प्यार, जंग और चुनावों में सब कुछ जायज है। कि हमारे कार्यकर्ता जी जान से एकजुट होकर के अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे और अगले आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री खट्टर ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए कहा कि आगामी चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। प्रदेश चुनाव में हार से मायूस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए खट्टर ने कहा कि सिर्फ 0.5 के फासले से हम सत्ता से बाहर हुए हैं, ऐसे में हमें पूरे जोश से लोकसभा के रण में उतरना होगा। खट्टर ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया और अपने जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हम जनता के सामने रखते हैं, हमारी उपलब्धियां हैं उनको भी हम सामने रखते हैं ताकि जनता को पता लग सके कि हमारी सरकार के चलाने में और पिछली सरकारों के चलानों में कितना अंतर रहा है और हम अपने उपलब्धियों के आधार के ऊपर जनता से अपने वोट मांग सके। इन दिनों देश की राजनीति हरियाणा के इर्द गिर्द घूम रही है। सूर्य नगरी में रॉबर्ट वाड्रा मामले पर बोलते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि सभी स्वतंत्र एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। खट्टर ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता बेल पर हैं और उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश है जिसे बेल की जरूरत नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को प्रियंका गांधी के आने से फायदा नहीं होगा। महागठबंधन पर खट्टर ने कहा कि सिर्फ मोदी के डर का गठबंधन है और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मेरा ये कहना कि कांग्रेस का नेतृत्व तो खोखला हो चुका है, उनके यानी चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वाड्रा हो, उनके सारे नेता जमानत पर हैं, बेल पर हैं। अब उनको कोई नेता ऐसा चाहिए कि जिसको अभी बेल के लिए अप्लाई ना करना पड़े और वो कहीं नए आदमी को लेकर के आए और शायद जनता उनको कुछ समझे कि कोई नेतृत्व उनको मिल गया है, तो उन अभाव में से एक बेटी को उन्होंने उतार दिया है। सिंहासन के फाइनल की जंग में आगामी दिनों में कई जुबानी तीर चलेंगे। अब देखना होगा कि वोटर्स इन शब्दों के माया जाल में उलझेगा या फिर अपने दिल की आवाज सुनकर अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट न्यूज़।